यस डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हो इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। मैं फिर क्लियर कह रहा हूँ, मैं इन वीडियोस में उनकी एप्लीकेशंस नहीं सिखा रहा हूँ। ये 11th बेस्ड टॉपिक्स हैं, क्लास 11th के टेस्ट में, एग्जाम्स में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ हमें जो तीन इक्वेशन है, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू टू एस, ये तीनों इक्वेशनों का डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड से करना है। फिर से एक बार इक्वेशन लिख दूं आपकी याद के लिए। पहली इक्वेशन अपन ने क्या पढ़ी है, फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम, याद आया? या कौन सी इक्वेशन थी फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, ओके उस पर हम डिस्कशन कर ले। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन, टी क्या है वह टाइम है जिस समय पर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो। गाड़ी चल रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और अभी कहूँ कि 10 सेकंड बाद कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, 15 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना हो जाए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तब आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपकी, वो है टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। इनको कई बार ऐसा भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम रिलेशन, यहाँ कहा जाता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इन तीनों इक्वेशनों को इस आधार पर बनाया गया है, ये उन कंडीशनों में लागू है जब एक्सेलरेशन पूरे मोशन में क्या है, यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन बार बार कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन का मान पूरे मोशन के दौरान क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कोई पत्थर ऊपर से गिरता है तो हर क्षण उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, और उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। तो उन कंडीशनों में जहां एक्सेलरेशन क्या रहता है, यूनिफॉर्म, वहां पे इन तीनों इक्वेशनों का यूज़ किया जाता है। ये आई कैसे, इसको हमको ग्राफ से ला कर देना है। ग्राफ भी कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन सा बनाएंगे हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उसके लिए थोड़ा सा कंसिडर कर ले हम कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब आपने ऑब्जर्व करना चालू करा, मतलब टी बराबर जीरो पर आपकी घड़ी में आपने स्टॉप वॉच में जीरो सेट कर लिया, उस वक्त जब आपने उसको देखा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है। अब धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड बढ़ते गई, गाड़ी की स्पीड बढ़ते गई और टाइम टी पर, कितने पे, टाइम टी सेकंड होने पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, वी हो गई है, और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, एस कवर कर लिया है। पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कितना था, ए था। तो अब हम वी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो कुछ हमारे पास ये जो रिलेशंस हैं इनको लाए कैसे, उसके लिए हम पहले एक ग्राफ बनाते हैं, इस पूरे मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ बनाएंगे। चलिए देखिए ग्राफ को, y एक्सिस पे क्या लेते हैं, वेलोसिटी, ओके x एक्सिस पे क्या लिया जाता है, टाइम, ठीक। आपकी गाड़ी की t बराबर जीरो पर, ये इनिशियल टाइम है t बराबर जीरो पर, जीरो सेकंड पर कितनी वेलोसिटी थी, u, जो भी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, u, धीरे धीरे u मीटर पर सेकंड, धीरे धीरे वो वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और कौन से समय पर, यहाँ टाइम देखिए टी पर, टाइम टी पर वेलोसिटी कितनी हो गई, इधर देखिए आप वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, वी हो गई, ओके। अब कहा गया कि एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है, मैं यहाँ पर एक एक इक्वेशन ये करूँगा और एक एक को मिटाऊँगा, रफ करूँगा, तो आप नोट भी करते चले मेरे साथ। एक्सेलरेशन होता क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, अगर कोई एक्सेलरेशन पूछेगा तो हमें आप लोगों को सिखाया जाता है कि एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वी टी कर्व, पढ़ाते हैं हम लोग आप लोगों को कि एक्सेलरेशन क्या है, ये स्लोप, अगर ये स्लोप ज़्यादा होता है, मतलब ऐसी लाइन खड़ी आती तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, ये स्लोप कम हो जाता तो एक्सेलरेशन कम, अगर कोई लाइन सीधी ऐसी आ जाए मतलब गाड़ी में एक्सेलरेशन नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन किससे पता चलता, स्लोप से, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप क्या है, टेन थीटा, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, आप पढ़ चुके हो टेन थीटा, आप तो
कौन सी क्लास में पढ़ चुके हो? टेंथीटा, टेंथ क्लास में। ओके, टेंथीटा कैसे निकाला जाए? तो इस लाइन का स्लोप निकालना, मतलब ढलान, हिंदी में ढलान बोलते हैं अपन। तो ये कैसे निकलेगा? तो यहाँ ये एंगल थीटा होता है। अब कुछ नेमिंग कर लेते हैं, इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, इस पॉइंट को सी लिखता हूँ, इस पॉइंट को डी यहाँ वाले को, और इस पॉइंट को तो ई के दिया। ओरिजिन को ओ भी कहते हैं कई बुकों में, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो स्लोप कैसे निकलता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है राइट ट्रायंगल, इस पर टेन थीटा लागू होगा, ठीक है। तो ये हुआ परपेंडिकुलर, कौन? बी सी, और बेस कौन हुआ? ए सी। तो टेन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन ए बराबर, अब बात आई कि बी सी कितना होगा, बी सी की बात निकालना। ध्यान से देखें, ये हाइट निकालनी है आपको। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट आपने कितनी कही है? ये टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इतना हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी? बी सी की वैल्यू कितनी आएगी? ये वी है, ये यू है, तो कितना हो जाएगा आपका? वी माइनस यू। कितना हो जाएगा? वी माइनस यू। ये देखिए फिर से एक बार, ये टोटल हाइट वी, ये हाइट यू, तो ये हाइट कितनी होगी? वी माइनस यू। अब ए सी, ए सी ये पैरेलल है, तो यहाँ से ए सी निकाल दो। ये किसके बराबर होगा? ई डी। और ई डी क्या बता रही? टाइम, एक्स एक्सिस पे क्या बता रहा है? टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय हो रहा है? टी। तो हमने यहाँ टी लिख दिया, अब आ गया, खुश हो गए, फर्स्ट इक्वेशन दिखने लग गई आप लोगों को। टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ए टी इक्वल टू कितना हो गया? वी माइनस यू। बस u को उधर ले जाओ, तो v इक्वल टू कितना आ गया? u प्लस ए टी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ये नाइन्थ क्लास में भी आप लोगों ने किया है। अब हम क्या लेकर आएंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए थोड़ा सा मुझे स्पेस लगेगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, टेंथ क्लास में हम वहाँ टेन थीटा नहीं लिखते थे, क्योंकि नाइन्थ क्लास में आपने टेन थीटा नहीं पढ़ा होता, इसलिए वहाँ टेन थीटा यूज़ नहीं करते। सेकंड इक्वेशन लाना है, सेकंड में लाना क्या है आपको? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, पहले सोचिए कर्व से। डिस्प्लेसमेंट किसको कहा जाता है? एरिया अंडर द वी टी कर्व। यहाँ का जो एरिया होता है, ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर हम पता कर लें, तो ये एरिया क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है आपको? एरिया अंडर द वी टी कर्व। तो एस इज डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी कर्व, ठीक है। एरिया अंडर क्या निकालना है अपने को? वी टी कर्व। एरिया कैसे निकलेगा? अरे दोस्तों, एरिया निकालना है, यहाँ एक ट्रेंगल दिखा और यहाँ एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल के एरिए और ट्रेंगल को एरिया को जोड़ दो। तो ये नीचे वाला जो डार्क पोर्शन है, ये जो एक्सिस है, कर्व है, इस कर्व के नीचे का हिस्सा एरिया आ जाएगा, और उसी एरिया को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट हमारा। एरिया अंडर वी टी कर्व कैसे निकाला जाए? तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ कौन सा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नामकरण है अपने पास ए सी डी ई, ए सी डी ई, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी, ए बी सी। क्या निकाल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट, भूलना नहीं है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल। तो ये होगा कितना? ए सी अपॉन ए सी इंटू कितना हो जाएगा? सी डी। क्या लिखेंगे? ए सी इंटू सी डी। ओके, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? हाफ। बेस, बेस कितना है? ए सी इंटू हाइट, ट्रायंगल की हाइट कितनी है? बी सी। ओके, अब ए सी की बात कर लो एक बार पहले सबसे अच्छे से। ये जो ए सी है, अभी बताया था, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, ये किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस के। तो जितनी इसकी वैल्यू, उसकी इतनी वैल्यू। तो ये जो ए सी है, वो किसके बराबर है? टाइम टी के बराबर है। इंटू सी डी, सी डी, ये सी डी, ये हाइट, ये हाइट किसके बराबर है? यू। वाई एक्सिस से देख के बताओ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यू को। समझ में आ रहा है? चलिए, हाफ। फिर ए सी, फिर ए सी, तो ये किसका है? ये इसकी वैल्यू किससे निकाली जाएगी? एक्स एक्सिस पर। तो ये लाइन जो एक्स एक्सिस पर है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ से यहाँ तक? टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो टी लिख दिया, अब क्या लिखना है? बी सी। फिर याद करो, बी सी मैंने पहले वाले में सिखाया था, ये हाइट कैसे निकलेगी? टोटल हाइट माइनस दिस मच हाइट।
तो कितना हो जाएगा आपका वी माइनस यू इक्वल टू एस। अब फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन से देखो कि अगर ये u उधर चले जाए v माइनस यू होगा तो कितना आएगा 80। फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन क्या कहेगी, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, यू टी प्लस हाफ टी और v माइनस यू को लिखते हैं 80। क्यों लिखते हैं आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, v इक्वल टू होता है यू प्लस 80 बिकॉज करके लिख लीजिए आप, तो v माइनस यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, टी से टी मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो आ गई आपकी कौन सी इक्वेशन, सेकंड यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हाँ, हर एक इक्वेशन के डेरिवेशन में या तीनों इक्वेशन पूछी जाए तो एक बार आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा शुरुआत में कि लेट एन ऑब्जेक्ट हैव द इनिशियल वेलोसिटी यू एट टाइम टी इक्वल टू जीरो विथ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट अचीव वेलोसिटी वी एट टाइम टी आफ्टर कवरिंग डिस्प्लेसमेंट एस, ये सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। लिखोगे तब आप इसको ग्राफ बनाओगे और फिर ग्राफ बना के डेरिवेशन करोगे। इज इट क्लियर। तो कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब कौन सी लाना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लाना है। चलिए चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लेकर आते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम जो लाएंगे उसकी जो पहली लाइन लिखी है वो सेकंड इक्वेशन से ही हमने कॉपी करी है। सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशन में जो पहली लाइन लिखते हैं वही लाइन थर्ड इक्वेशन के भी इसमें आती है, एरिया अंडर वी टी कर्व। क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखें यहाँ पर ये एक ट्रेपेजियम है, कौन सा ये हिस्सा देखा जाए तो एक ट्रेपेजियम है। तो हम यहाँ पर जब हमको सेकंड इक्वेशन लानी होती है तो रेक्टेंगल के एरिया और ट्रेंगल के एरिया को जोड़ देते हैं, और जो थर्ड इक्वेशन लानी होती है तो एरिया ऑफ क्या निकाल देते हैं, ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ क्या निकालते हैं, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का पूरा नाम लिख दे अपन, कौन सा, ए बी डी ई, ए बी डी ई। अब ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स की बात कर ले हम लोग जरा, तो ये जो साइड है ट्रेपेजियम में ये और ये कौन कौन सी, ए ई और बी डी, ए ई और बी डी आपस में पैरेलल है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हाफ ए ई प्लस बी डी। और जो हाइट है ट्रेपेजियम की हाइट मतलब इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये कहलाती हाइट, तो यहाँ क्या होगा एसी। एसी से तो चिर परिचित हो चुके हैं, एसी किसको बता रहा, टाइम टी को, तो ये हाफ ए ई की बात करो, ए ई यू को रिप्रेजेंट करती है, बी डी बी से डी तक किसको रिप्रेजेंट करती है, वी को, और ए सी टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टी को। इक्वल टू क्या चल रहा, एस 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 मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब टाइम टी के बारे में सोचो, टाइम टी को हम क्या लिख सकते हैं, सोचना है आपको, वी इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी, कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से, तो वी माइनस यू इक्वल टू कितना होगा ए टी, तो टी बराबर कितना हो जाएगा वी माइनस यू बाय ए। बस ये समय की वैल्यू यहाँ रख दे, मतलब एस इक्वल टू हाफ और u प्लस वी को v प्लस यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, 5 प्लस 3 वो भी 8 होता है, 3 प्लस 5 वो भी 8 ही होता है। यहाँ t की वैल्यू कितनी लिखना है, v माइनस यू बाय a। अब नीचे a है, ये 2 है, ये 2 और a क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे s में, क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 2 ए एस इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, वी प्लस यू, वी प्लस यू और इंटू कितना आएगा वी माइनस यू। अब देखो वी प्लस यू और वी माइनस यू का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, तो क्या चल रहा है 2 ए एस इक्वल टू कितना आ गया वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो बातों बातों में ही तीनों इक्वेशनों का मोशन आसानी से आपको समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ पे एक बात ध्यान से समझ ले, मैं अभी न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूँ, इन पे न्यूमेरिकल हम एक पूरा लेक्चर अलग बनाएंगे, अभी केवल क्या करवा रहे हैं, इन तीनों इक्वेशनों को डेराइव करना सिखा रहे हैं कि आई कैसे ही है। हमको 11th में या 9th में
इस प्रकार के डेरिवेशंस करना होते हैं, तो उस हिसाब से ये कोर्स हो रहा है। ओके, इसमें कोई न्यूमेरिकल पोर्शन अभी टच में नहीं लाया हूँ, तो सभी को थैंक यू आप लोग इसको देख रहे हो। हाँ, इसमें एक फोर्थ इक्वेशन भी मैं बताता हूँ आपको। वैसे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होती है, परंतु मैं इसको एज ए फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करता हूँ। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताना चाहती, थोड़ा सा उस पर सोचें। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन मेरी क्या है, मेरी है ना, स्पेशली ऐसे बुकों में फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन करके ढूंढोगे तो शायद नहीं मिलेगी आपको। मैंने उसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन नाम दे रखा है, वो है डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर nth सेकंड। ये जो इक्वेशन है ये क्या बता रही है, डिस्प्लेसमेंट बता रही है, परंतु कितने समय में, टी सेकंड्स में। जैसे टी की वैल्यू आपने लिख दी 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में गाड़ी कितना चली बताएगी ये इक्वेशन, कैलकुलेट करके दे देगी आपको। परंतु मैं क्या बता रहा हूँ आपको, क्या इक्वेशन बनाना चाहता हूँ कि कोई गाड़ी पर्टिकुलर 10th सेकंड में कितना चली, पर्टिकुलर 10th सेकंड में, 10th सेकंड समझ रहे हैं मतलब 9 सेकंड तक में कितना चली मुझे उससे मतलब नहीं है, 10वें सेकंड में कितना चली है, 10th सेकंड में कितना चली है। मेरे को कोई पूछ ले कि यार ये पत्थर ऊपर से गिर रहा है, तो ये 15th सेकंड में कितना मोशन करेगा, 4th सेकंड में कितना मोशन करेगा, 4th सेकंड मतलब पर्टिकुलर 4th सेकंड में कितना मोशन करेगा, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के लिए फार्मूला होता है snth, लिखते हैं उसको, है ना, snth इक्वल टू, कैसे निकालेंगे हम, पहले से उसका फार्मूला लिख दूं, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, जहां n वह पर्टिकुलर सेकंड है जिसमें आप निकालना चाहते हो। आपको अगर मान लीजिए कि 5th सेकंड में निकालना है कि 5th सेकंड में गाड़ी कितनी चली, तो यहाँ n की वैल्यू 5 रख दो तो 5वें सेकंड में गाड़ी कितना चली पता चल जाएगा। यहाँ अगर n की वैल्यू 10 रख दे तो मतलब गाड़ी 10वें सेकंड में कितना चली, ऑब्जेक्ट 10वें सेकंड में कितना मूवमेंट करा, उसका डिस्प्लेसमेंट 10वें सेकंड में कितना हुआ, तो वो निकल आएगा। तो जो n की वैल्यू रखोगे उस पर्टिकुलर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। तो ये आया कैसे, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको केवल ये सोचना है कि आएगा कैसे। अगर आप कोई टास्क कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेसमैन हो और आप 10 डेज तक दुकान ओपन करते हो, 10 डेज की कमाई आपको पता है कि आपने 10 डेज में कितना अर्न किया, कोई आपसे पूछे कि 10th डे में आपने कितना अर्न किया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 दिनों की कमाई में से 9 दिनों की कमाई को माइनस कर दो, तो आपको 10वें दिन कितनी कमाई हुई पता चल जाएगा, हाउ मच यू हैड अर्न ऑन द 10th डे। हाउ यू विल कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच यू अर्न इन 10 डेज, हाउ मच यू अर्न इन 9 डेज, यू सबट्रैक्ट द इनकम ऑफ 9 डेज फ्रॉम 10 डेज, यू विल गेट द इनकम ऑफ 10th डे। सो सेम वे यहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट इन nth डे निकालना है, nth सेकंड में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1, उससे एक पहले वाले सेकंड तक जितना हमने चला उसको माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा। अब बस इस इक्वेशन में जहां जहां n है वहां n रख दो, यहां की जगह n माइनस 1 रख दो। चलिए देखते हैं आ जाएगा, हम sn लिखते हैं, कितना आएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, बीच में क्या लगा है माइनस, कैपिटल ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये इक्वेशन लिखेंगे, यू एन माइनस 1, क्योंकि t की जगह क्या रखना है, n माइनस 1 प्लस हाफ ए, और इस t की जगह क्या रखोगे आप, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इस डेरिवेशन में क्या रखा है, इसको बस होल स्क्वायर ओपन करूँगा और सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, होल स्क्वायर ओपन करूँगा और क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट। चलो वो भी एक स्टेप कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब ये जो माइनस है ध्यान से समझते रहना, ये माइनस में बाद में लेके जाऊँगा नहीं तो कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट कर देगा, यू एन माइनस यू प्लस हाफ, इसकी जो होल स्क्वायर को ओपन करके देख ले अपन के पहले, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और ये आ गया। अब एक स्टेप बची है कि इसको ओपन करें और देखें इक्वेशन क्या आ रही है, एस एन एथ इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या लिखा है, यू एन हाँ लिखा है, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस ये माइनस इसको माइनस कर देगा, ठीक है साहब कर दिया, इसको क्या कर देगा प्लस कर दिया। अब ये माइनस जिसके साथ आकर अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक सॉरी मेरा यहाँ ए मिस हो गया था, तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर और फिर आएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
टू से ए कट जाएगा, कितना आ जाएगा ए एन माइनस हाफ ए, ये पूरे टर्म आएंगे है ना। तो यहाँ पे देखें ये प्लस का यू एन माइनस का यू एन, प्लस का हाफ ए एन स्क्वायर माइनस के हाफ ए एन स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना यू, तो ये लिखा मैंने यू प्लस क्या बचा ए एन माइनस हाफ ए। अब इस इक्वेशन में से ध्यान देखो यू को छोड़ दो, यहाँ से हाफ और ए को कॉमन निकाला, किसको कॉमन निकाला हाफ और ए को, क्या निकाल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, पर्टिकुलर nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड बराबर u प्लस हाफ बाहर आया, किसके साथ बाहर आया a के साथ, तो यहाँ तो हाफ था नहीं तो यहाँ ऊपर क्या लगेगा 2n और क्या हो जाएगा माइनस वन। यह आपका फार्मूला आ गया, इसको कौन सा फार्मूला कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। मैं इस पर आपको JE में AIEEE होती थी पहले उसमें नीट में इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ठीक है। ये तो कॉमन फार्मूला है, ये बहुत कॉमन फार्मूला, इसका यूज़ हम बहुत बार करेंगे, परंतु कॉम्पिटिटिव में आजकल इस पर क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो आप समझ जाइए फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, थर्ड इक्वेशन टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, और आज से और अभी से आपके दिमाग में फिट कर लो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है एस एन एथ इक्वल टू कितना होगा यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। ये क्या बताता है पर्टिकुलर दिए गए इंस्टेंट, जो क्षण दे रहे हैं जिस सेकंड की बात कर रहे हैं उस सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उस सेकंड में फिफ्थ सेकंड बोले तो फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सिक्स्थ सेकंड बोला तो सिक्स्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एन की वैल्यू वो रख दीजिए तो आपको पर्टिकुलर उस सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बता दिया जाएगा। तो हम इस पे न्यूमेरिकल अगले वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें इसको और अच्छे से तैयार करके रख लें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लॉकडाउन में आप तैयार करके रख सकते हैं, इनको वेल प्रिपेयर करके रखिए। थैंक यू।